डायरेक्टली चले जाना है यूजीसी नेट की वेबसाइट के ऊपर और याद रखना है यूजीसी नेट की वेबसाइट पे जाना है बच्चे गलती है करते हैं यूजीसी की वेबसाइट या एन की वेबसाइट पे जाते हैं और सर्च करते हैं आपको ये जो वेबसाइट स्क्रीन पे दिख रही है दैट इज यू जी इस वेबसाइट पे जाना है और इधर आपको मिल जाएगा फर्स्ट नोटिस पब्लिक नोटिस के अंदर सबसे टॉप वाला जो नोटिस है पब्लिक नोटिस आंसर की चैलेंज यूजीसी ने तो आपका जो नोटिस आ चुका है कि आपकी प्रोविजनल आंसर कीज डिक्लेयर हो चुकी हैं फिर रिपीट कर दूं बच्चों ये प्रोविजनल आंसर कीज अभी डिक्लेयर हुई हैं ये फाइनल आंसर कीज नहीं है प्रोविजनल आंसर कीज के ऊपर बच्चे स्टूडेंट्स क्लेम करते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग ठीक है या रॉन्ग है फिर उसके बाद आपकी फाइनल आंसर कीज प्रिपेयर होती हैं उसके बाद उस फाइनल आंसर कीज के बेसिस पे आपके रिजल्ट निकाले जाते हैं अब जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी नोटिस देख लिया उनके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि सर ऑप्शन नहीं दिख रहा तो अब भी अभी के लिए आपके यू जी नेट की वेबसाइट अपडेट नहीं हुई है वेट फॉर सम टाइम आई नो अपडेट हो जाएगी ठीक है और सेकेंड थिंग जिनकी वेबसाइट से हम कर रहे हैं लॉग इन नहीं कर पा रहा देखो एकदम से इतने सारे बच्चे ट्राई कर रहे होंगे लॉग इन करने का जिसकी वजह से हो सकता है कि लॉग इन में इशू आ रहा हो बट वेट फॉर सम टाइम आपका लॉग इन हो जाएगा और ट्राई करना अगर लेट नाइट वगैरह आप ट्राई करेंगे तो ईजिली आपका लॉग इन हो जाएगा अब डायरेक्टली ले चलता हूं आपको नोटिस के ऊपर और एक बार डिस्कस कर लेते हैं हमें करना क्या है नोटिस से मतलब अगर प्रोविजनल आंसर की आ चुकी हैं तो हमारा टास्क क्या बनता है ठीक है फिर रिपीट कर प्रोविजनल प्रोविजनल आंसर कीज है, कीज. तो प्रोविजनल आंसर आंसर नॉट अ फाइनल तो पे के बेसिस पे आप अपना स्कोर मत कैलकुलेट करने बैठ जाना बस इतना अंदाजा लगा पाओगे आप कि क्या आ, थोड़ा सही जा रहे हो या गलत जा रहे हो मतलब इत, ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो पाए ठीक है तो ये आपकी बेसिक डिटेल्स हो गई अब जो आपके पास ऑप्शन है आंसर्स की चैलेंज करने का, बेसिकली प्रोविजनल आंसर क्या यूजीसी के अकॉर्डिंग, वो आपको बता रखे हैं अलोंग अलोंग विद आपने जो आंसर्स दिए वो गिवन होंगे तो so, देख लो क्वेश्चन पेपर में प्रोविजनल आंसर कीज होंगे प्रोविजनल आंसर होंगे वो होंगे ठीक है अगर आपको लगता है कि भाई मैंने आंसर कुछ और यूजीसी और ने करेक्ट आंसर कुछ और बताया और मेरे वाला आंसर ठीक है मतलब आपने यूजीसी ने जो आंसर दिया आपको वो रॉन्ग लग रहा है तो आप चैलेंज कर सकते हो उस क्वेश्चन को अब चैलेंज कब करना है मेक श्योर sure आपको चैलेंज करना है इन बिटवीन थर्ड जनवरी 2024 ट्वेंटी फोर फ्रॉम सिक्स पी एम टू फिफ्थ जनवरी ट्वेंटी फोर इलेवन ठीक है तो इसी ड्यूरेशन के बीच में आज कल और परसों के बीच में आपको अपने क्वेश्चंस को चैलेंज करना है कि हां भाई मेरे को ये क्वेश्चंस मतलब ये आंसर्स गलत लग रहे हैं और इसका करेक्ट आंसर कुछ और होना चाहिए अच्छा जितने क्वेश्चंस के जितने क्वेश्चंस आप चैलेंज करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको फीस पे करनी पड़ेगी और ये फीस कितनी रहती है वो रहती है आपकी ₹200 पर क्वेश्चन मतलब अगर मैं दो क्वेश्चन चैलेंज कर रहा हूं तो ये हो, मेरे पास फोर हंड्रेड रुपीज अगर चैलेंज कर रहा हूँ नॉन रिफंडेबल होती है नॉन रिफंडेबल का मतलब क्या हो गया चाहे आपका क्लेम सही निकले चाहे आपका क्लेम गलत निकले मतलब अगर आपका क्लेम सही भी निकल रहा है तब भी ये फीस आपको वापसी अमाउंट आपको वापसी नहीं करी जाएगी तो ठीक है तो सोच समझ के ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन क्लेम मारी जा रहे हैं या रेंडमली क्लेम मारी जा रहे हैं सोच समझ के आराम से क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे ठीक है अब जो आप क्वेश्चन चैलेंज करोगे वो एक्सपर्ट्स वगैरह देखेंगे और फिर उसके बेसिस पे फाइनल आंसर की निकालेंगे अब इधर याद रखना क्या आपका क्लेम एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है ऐसा यूजीसी आपको खुद कुछ ऐसा नहीं बताने वाला मतलब ये नहीं बताएगा कि आपका क्लेम एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ फाइनल आंसर कीज़ निकलेंगी अगर आंसर चेंज हुए होंगे मतलब आपका एक्सेप्ट हो गया या किसी और के कारण एक्सेप्ट हो गया मतलब आंसर चेंज हो गया मतलब ऐसा इंडिविजुअल लेवल पे नहीं इन्फॉर्म किया जाएगा कि हाँ आपके आंसर एक्सेप्ट हुए या रिजेक्ट हुए हैं ठीक अब बात कर लेते हैं जो आपका प्रोसीजर है आंसर की इसको चैलेंज करने का सबसे पहले सबसे पहले आपको एन की वेबसाइट पर चले जाना है वहां पर ऑप्शन आ रहा होगा चैलेंज रिगार्डिंग आंसर कीज आई नो अभी वेबसाइट की ऑप्शन नहीं आ रहे वेट फॉर सम टाइम ऑप्शन आ जाएंगे फिर आपको वहां पर लॉग इन कर लेना है अपने एप्लीकेशन नंबर से या डेट ऑफ बर्थ से अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं तो सिक्योरिटी पिन से ठीक है फिर उसके बाद व्यू क्वेश्चन पेपर और उधर ही आपके पास सारे क्वेश्चन होंगे विद आईडी और उन क्वेश्चन की आईडी विद फाइनल आंसर और जो आंसर्स आपने दिए ठीक है अब एक चीज और ध्यान रखना आपके पास अब तीन चीजें हैं क्वेश्चंस हैं करेक्ट आंसर्स जो यूजीसी के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग हैं हैं और आंसर्स आपके अब इनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो यूजीसी ने ड्रॉप कर दिए होंगे तो उनके अगेंस्ट कोई चैलेंज मत करने बैठना तो ड्रॉप क्वेश्चन होते हैं जो क्वेश्चन गलत हो गए या आंसर ऑप्शन में था ही नहीं तो वो यूजीसी क्वेश्चन को ड्रॉप कर देती है तो उनको इग्नोर मार देना उसके मार्क्स को मिल जाएंगे बेसिकली ये समझ लेना ठीक है फिर अब आपको क्या करना है जोन से क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि भाई मेरे आंसर ठीक है यूजीसी ने जो दिए गलत है उसको आप चैलेंज करोगे और चैलेंज करने के साथ साथ कोई ना कोई एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हो मतलब आप किस बेसिस पे कह रहे हो कि आपका आंसर सही है यूजीसी का गलत है चाहे वो कोई पीडीएफ हो सकता है रिसर्च पेपर हो सकता है कोई एनसीआरटी का कोई ऑथेंटिक सोर्स का पीडीएफ आपको यहाँ पे अपलोड करना है ठीक है फिर अपने क्लेम्स को सेव कर लेना और फी पेमेंट कर देनी है फिर रिमाइंड करा दूं जो फी पेमेंट होनी है वो होनी है आपकी टू हंड्रेड रुपीज पर क्वेश्चन ना पर क्वेश्चन टू हंड्रेड रुपीज होनी है ठीक है ये आपका प्रोसेस रहने वाला है पूरा का पूरा प्रोविजनल आंसर की आंसर्स को चैलेंज करने का फिर रिपीट कर दूं अभी प्रोविजनल आंसर कीज आए हैं

तो फिर टाइम वेस्ट करने की कोई बात नहीं है जल्दी से जल्दी हम क्या करेंगे जून 2024 की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे क्योंकि अब तो पता चली जाएगा ये तो है नहीं कि सारे के सारे आंसर्स प्रोविजनल वाले गलत होंगे कुछ हो सकते हैं तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग जाएगा अगर आपके मैक्सिमम क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं तो जहाँ से आपको फिगर आउट कर लेना कि हाँ भाई कौन सा टॉपिक मेरा वीक है कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग है जो से टॉपिक वीक है उन पर कहीं ना कहीं तैयारी करना स्टार्ट करती है अब तुम तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा सर सिलेबस चेंज होना तो अभी के लिए जब तक नया सिलेबस नहीं आता उन उन टॉपिक्स को जो मेजर हैं जैसे मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था उनको आप कवर करो क्योंकि सिलेबस हंड्रेड परसेंट चेंज नहीं होगा कुछ पोर्शन ही ऐड या फिर डिलीट होते हैं ठीक फिर रिपीट कर देता हूं अगेन लास्ट टाइम कि आई हाँ नो यूजीसी की वेबसाइट अभी अपडेट नहीं हुई है जब, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ जैसे ही अपडेट हो थोड़ा टाइम का वेट कर लो अपडेट हो जाएगी उसके बाद अपने आप प्रोविजन आंसर की चेक कर लेना चल सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड बाय बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट अगर मेरी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आंसर्स मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन लग रहा है कि क्या आंसर करेक्ट है या नहीं है तो वो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि हाँ कि सर मेरे को लग रहा है कि ये करेक्ट आंसर होना चाहिए था पेपर वन में या पेपर टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में वो कमेंट सेक्शन में मुझसे आप क्लैरिफिकेशन ले सकते हो क्लेम करने से पहले ठीक है उसके लिए आप कमेंट uh, करिए मैं रिप्लाई करूँगा Okay. So that's all from my side. Bye bye. Take care. All the best.